एलएसी पर तनाव बना हुआ है। सर्दियां आने वाली हैं और भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है इस परिस्थिति से निपटने के लिए। चीन बातचीत कर रहा है लेकिन बातचीत का कोई फायदा हो नहीं रहा, क्योंकि जिस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था वो प्रक्रिया का पालन चीन करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसीलिए भारत ने भी अपनी जो आगे की रणनीति थी उसे अमली जामा पहनाया और जो पीक्स थी उन पर हम जाकर बैठ गए और इस वक्त बेहद मजबूत स्थिति में है। यानी बातचीत अब तभी होगी जब चीन पीछे जाएगा। एलएसी पर दोनों ही देशों के सैनिक तैनात हैं, अपने हथियारों के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर पूरी एलएसी को आप समझना चाहें तो हर जगह रणनीति अलग है, हर जगह अलग तैयारी की गई है। जैसे अगर चुशूल की बात करें या स्पेंगुर पास की बात करें तो वहां पर टैंक आमने सामने हैं। चीन ने भी अपने लाइट 15 टैंक वहां लगाए हैं, हॉइट्जर गन वहां पर लगाई हैं और हैवी आर्टिलरी वो वहां मूव कर सकता है, क्योंकि कुछ इसी तरह का ये समतल मैदानी इलाका है, यहां पर टैंक बैटल हो सकती है। देपसांग का इलाका है वो भी इसी तरह से समतल इलाका है, तो वहां हैवी जो टैंक हैं वो लगाए गए हैं और हॉइट्जर गन लगाई गई है। यानी पूरी एलएसी पर अलग अलग पीक के लिए, अलग अलग टेरेन के लिए अलग अलग तरह से तैयारी की गई है। भारत ने ऊंची चोटियों पर कब्जा किया है। अब अगर स्पेंगुर पास की बात करें तो अगल बगल की गुरुंग और मगर हिल में भारतीय जवान तैनात हैं। वहां उनके पास उसी तरह के हथियार हैं, उनके पास एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, फ्रेंच मिलान एंटी टैंक मिसाइल जो कि टैंक्स को उड़ा सकती हैं अगर उन्होंने स्पेंगुर पास को क्रॉस करने की कोशिश की। इसके अलावा ब्लैक टॉप हेलमेट टॉप पर जो हमारे जवान बैठे हैं उनके पास सिग्ला मिसाइल्स हैं जो कि कंधे में रखकर लॉन्च की जा सकती हैं और किसी भी उड़ते हुए जहाज को गिरा सकती हैं। और चीन की परेशानी यही है कि उसे पता है कि तनाव कितना भी बढ़ रहा हो भारत मजबूत स्थिति में है। तनाव की बात करें तो दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के फायरिंग रेंज में है। देपसांग पास में बैटल टैंक एक दूसरे के सिर्फ 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर है। त्रिजांगला में 500 मीटर या फिर गोगरा पोस्ट में भी ये दूरी सिर्फ 500 मीटर ही है। यानी एक दूसरे के निशाने पर दोनों देशों की सेनाएं हैं। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि हम ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं, हम ऊंचाई पर हैं और ज्यादा आसानी से चीनी सेना को निशाना बना सकते हैं। वैसे भी माउंट वॉरफेयर को जानने वाले जानते हैं कि जब कोई चोटी पर बैठा होता है तो 1:10 का रेशियो होता है। यानी ऊपर की चोटी को कब्जा करने के लिए नीचे से कम एक आदमी की जगह 10 लोग भेजने पड़ते हैं। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर। घर पर अब होगी हर खबर आपके हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर। पर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान का ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर करिए क्लिक और देश और दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।